हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन वर्ल्ड। आज आपको प्याज की खेती के बारे में बताने जा रहा हूँ कि प्याज सर्दियों के दिन में कैसे लगाते हैं और इसके लगाने के क्या क्या मेथड्स हैं। प्याज आप दो तरह से लगा सकते हैं, एक गीली मिट्टी में लगा सकते हैं और दूसरा सूखी मिट्टी में। तो मैं आज गीली मिट्टी में कैसे प्याज को लगाएँगे उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले खेत को पानी से भर दीजिए। गीली मिट्टी का हमने यूज इसलिए कर रहा है कि इसमें आप जब प्लांट लगाते हैं आराम से खड़ा रह जाता है और झुकता नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस मिट्टी में हमने गोबर का खाद ऐड कर रहा हूं और गोबर का खाद काफ़ी फायदेमंद होता है और इससे प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम देखिए एक और भी ऑर्गेनिक खाद का हम यूज़ कर रहे हैं, इसको धनजाई बोलते हैं, जो लोकल शॉप पर ईजिली मिल जाता है। ये 5 kg के पैकेट में आता है जिसका कॉस्टिंग अराउंड 380 रुपीज़ का होता है। तो आप अब देख सकते हैं कि मैंने ये प्याज का पौधा है जिसको मैंने लगाने के लिए यूज करूँगा। इसको देख सकते हैं आप, इसको ऊपर से हाफ कट कर लिए हैं। कट करने के पीछे ये रीज़न होता है कि ये छोटा हो जाता है और लगाने के बाद ये हमेशा खड़ा रहता है, झुकता नहीं है, और जिसके चलते प्लांट का ग्रोथ इक्वली होता है और सही से होता है। तो आप भी इस प्रकार के कट कट के लगा सकते हैं। तो इस प्रकार प्याज का पौधा मेरा लगने के लिए तैयार हो गया है और मैं अब इसको अपने किचन गार्डन में लगाने जा रहा हूँ। तो आप इस प्रकार के आप इसको लगा सकते हैं। आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इक्वल डिस्टेंस पे आप लगा सकते हैं। इसका जो डिस्टेंसिंग होता है 6 इंच के बीच इंटरवल पर आप लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये साइज़ है 5 फीट बाई 5 फीट का है, मैंने इक्वल डिस्टेंस पे इसको लगाया है। लगने के बाद आपको इस प्रकार के दिखाई देगा। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।